अस्सलाम वालेकुम, कामयाबी एक मिनट में के साथ सैयद इरफान हाजिर है। ये 1979 की बात है, एक मुसाफिर तैयारा 257 अफराद को लेकर न्यूजीलैंड से उड़ा। मंजिल एंटार्क्टिका थी। जहाज की रवानगी के वक्त जहाज का रुख अपने रूट से सिर्फ 2 डिग्री मुख्तलिफ हो गया और पायलट को भी पता ना चल सका। जब जहाज एंटार्क्टिका के करीब पहुंचा तो पायलट ने हवाई जहाज को मामूल के मुताबिक नीचे उतारना शुरू कर दिया। उन्हें अंदाज़ा ही ना हुआ कि वो जिसे एंटार्क्टिका समझ रहे हैं वो तो माउंट एरिबस है। वहाँ से 12,000 फीट बुलंद एक जिंदा आतिशफिशां, बर्फानी इलाका और अब्र आलूद मौसम की वजह से पायलट को आतिशफिशां का दिहाना और इससे निकलता धुआं नज़र नहीं आया। पायलट धुएं को बर्फ की धुन समझते रहे। जब उन्हें हकीकत का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। हवाई जहाज़ आतिशफिशां से जा टकराया। ये तमाम लोग भस्म हो गए। हम जिंदगी में अक्सर बड़े खतरों से बचाव और कामयाबी के लिए बड़ी बड़ी छलांगें लगाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन छोटी गलतियां और खामियां ज्यादा खतरनाक होती हैं क्योंकि उन पर तवज्जो नहीं जाती। इसलिए छोटी और मामूली चीज़ों का अच्छी हो या बुरी ज्यादा ख्याल रखिए।